मंगलवार को फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 24 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। 19 किलो का कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 123 रुपए सस्ता। 14.2 किलोग्राम वाला बगैर सब्सिडी के सिलेंडर की कीमत में नहीं हुआ बदलाव। कोरोना की दूसरी लहर से 1 करोड़ भारतीय हुए बेरोजगार। 97% घरों की इनकम में आई कमी। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार एडवांस लेने की मंजूरी दी। कोविड-19 से हुए नुकसान के चलते दी अनुमति। 1 से 6 जून तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे करदाता। 7 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई वेबसाइट लॉन्च होगी। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों पर फिर मंडराया संकट। सैलरी संकट, बिना सैलरी के कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज रही है एयरलाइन। स्पाइस जेट के कर्मचारियों को मई की सैलरी मिलने में हो सकती है देरी। काम किए गए घंटों के आधार पर मिलेगा मई का वेतन। नेस्ले के अंदरूनी दस्तावेजों में कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स के अनहेल्दी होने का खुलासा। मैगी समेत कई तरह खाने का सामान बेचती है कंपनी। 1 जून सस्ता हो गया पंजाब नेशनल बैंक का होम और ऑटो लोन। MCLR में की 5 बेसिस पॉइंट्स तक की कटौती। कृषि की समस्याओं को दूर कर रही है नई तकनीक। होंडा पावर ने पहाड़ों पर सिंचाई के लिए लॉन्च किया पंप।